नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सैदा सिंह मौर्य। पुंडरी के एक ही व्यक्ति ने ठगी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें आम आदमी भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो। पुंडरी थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। पुंडरी वार्ड नंबर 6 के किसी रमेश कुमार ने चेक गणराज्य के बैंकों में खाते खोलकर करोड़ों की ठगी की। चेक गणराज्य सरकार ने इसकी शिकायत भारत सरकार से ही की। इसके बाद केंद्र सरकार में हरियाणा उप सचिव विश्वनाथ ने DGP मनोज यादव को जानकारी दी। चेक गणराज्य में पुंडरी निवासी रमेश कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। रमेश की चेक गणराज्य के प्राग शहर में वेलरेन लिमिटेड लाइबटो कंपनी है। उसने 20 मई 2015 को चेक गणराज्य मेरफेंस बैंक में खाता खोला और कई कंपनियों के ईमेल को हैक कर 2,87,652 US डॉलर अपनी कंपनी के खाते में डाल लिए। इस प्रकार अगले ही दिन अपने बैंक खाते से 6 भुगतानों में हांगकांग और चीन के विभिन्न कंपनियों को बिल भुगतान दिया और IT एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। उन दो धाराओं में पर्चा दर्ज किया है। कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है उसका? नाम है रमेश कुमार, है वार्ड 6 पुंडरी का है, जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट है। तो पिता का नाम वगैरह? पिता का नाम अब तक कोई सामने नहीं आया, क्योंकि ये जो तफ्तीश है ये इकोनॉमिक सेल में जारी है आगामी तफ्तीश के लिए। सर, इसके खिलाफ कोई पहले कोई मुकदमा दर्ज है या कहीं पुलिस रिकॉर्ड? नहीं, पहले अभी तो जैसे जैसे तफ्तीश होगी, तफ्तीश में जो भी आएगा रिकॉर्ड देखा जाएगा, रिकॉर्ड में जो आएगा उसके बाद बताया जाएगा कोई मुकदमा है या नहीं है। से विजय मिगलानी की रिपोर्ट।